सीनियर मोस्ट आईएएस अफसर एक प्रदेश का होता है, चीफ मिनिस्टर के बाद चीफ मिनिस्टर को एडवाइस देने वाला सीधा व्यक्ति जो होता है वो चीफ सेक्रेटरी होता है। रमेश इंद्र सिंह जी पद्मश्री के अवार्डेड रहे हैं, पंजाब की तरफ से चीफ सेक्रेटरी रहे हैं। हमारे बीच कुलबीर सिंह सिद्धू जी हैं, आप भी आईएएस रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, हमारे पास सभी साथियों की लिस्ट नहीं है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप में से जो भी साथी शुरू में अपनी बात रखें वो दो मिनट लेके सबको इंट्रोड्यूस कर दें, ताकि हमारे साथियों को एहसास हो सके कि हमारे बीच कितने खास मेहमान आए हैं। इस आंदोलन की एक खासियत, इस आंदोलन की एक विशेष मजबूती ये रही है कि इस आंदोलन में किसान के साथ समाज का हर वर्ग उतरा है। किसान के साथ मजदूर उतरे हैं, किसान के साथ सैनिक उतरे हैं, किसान के साथ अर्थशास्त्री हैं, साइंटिस्ट हैं, यूथ हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। हमारे साथ पंजाब के और देश भर के तमाम सीनियर सिविल सर्वेंट का सहयोग रहा है, और मुझे बेहद खुशी है कि आपने अपने सहयोग को पर्दे के पीछे सिर्फ नहीं रखा, आप पर्दे के सामने आए, क्योंकि इसके लिए भी हिम्मत चाहिए होती है। पीछे से कह देना कि भाई बल्ले बल्ले बहुत अच्छा शाबाश काम करो हम तुम्हारे साथ हैं, वो एक बात है, लेकिन आप लोग सामने आए हैं, इसके लिए मैं पूरे हाउस की तरफ से, सदन की तरफ से आपको वेलकम कहता हूँ, जी आयानु कहता हूँ। और मैं सभा अध्यक्ष जी से अनुरोध करूँगा कि आप आज की कार्यवाही शुरू करवाएं। आज की कार्यवाही का नियम जो बनाया गया है उसके हिसाब से पहले एक घंटा हम अपने मेहमानों की बात सुनेंगे, उसके बाद एक छोटा सा चाय ब्रेक होगा, उसके बाद यहाँ पे अविश्वास का प्रस्ताव पेश होगा। आज का सारा दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन पे चर्चा के लिए है। अब तक हम बाकी सब चर्चा कर चुके हैं, तीनों काले कानूनों पे दो दो दिन चर्चा करके उन्हें खारिज कर चुके हैं, MSP के बारे में दो दिन चर्चा हो चुकी है, बिजली के कानून के, पराली वाले कानून पे, सब पे चर्चा होकर रेजोल्यूशन